हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, और उसकी एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो है 102 की पावर 3। तो ये मैंने यहाँ पर सामने लिख दिया है 102 की पावर 3। अब ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो 102 की पावर 3 का मतलब हमारे पास ये होता है कि आप क्या करो कि 102 की पावर 3 को लिख लो 3 बार, 102 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 102, और इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारे पास 102 की पावर 3 का आंसर होगा। पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि आपको सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है, एक फॉर्मूला यूज करना है और उस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। अब जिस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है वो फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है, a+b3 की मदद से इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें इस रूप में इसको लाना पड़ेगा, ये है 102 की पावर 3। तो पहले ये जो 102 की पावर 3 है, पहले इसको इस रूप में लाना पड़ेगा। अब इस रूप में कैसे लाएंगे, सबसे पहले देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है 102। तो 102 को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 102 को 100+2, 102 को हम लिख सकते हैं 100+2, और ये है 102 की पावर 3, तो हम इसकी भी पावर क्या लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे। एक और चीज समझा दो, इसी तरीके से मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन में ये होता कि 105 की पावर 3 है इसको सॉल्व करो, तो पहले हम 105 को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 100+5, और ऊपर 3 है तो पावर में हम क्या लगा लेते, 3। अगर ये होता 109 की पावर 3 तो हम लिख लेते इसको 100+9 की पावर 3। अगर ये होता 99 की पावर 3 तो 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100-1 की पावर 3। तो इसी तरीके से 102 की पावर 3 है उसको हमने इस फॉर्म में लिखा, किस फॉर्म में लिखा, 102 की जगह हमने लिख दिया 100+2, क्योंकि 100 में 2 ऐड करो तो 102 ही होता है। तो 102 की पावर 3 हो गया अब 100+2 की पावर 3। तो हमें इसका आंसर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसी का हमें विस्तार करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ये है 100+2 की पावर 3। तो अब इसको, इन दोनों को ज़रा कंपेयर करो, आप इन दोनों को कंपेयर करके देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ए की जगह कौन है 100 और बी की जगह कौन है 2 है। तो उसी तरीके से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो क्या लिखा है, ये है ए, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 100, यहाँ पर ए का क्यूब है तो हम इसको लिखेंगे 100 की पावर 3, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। ये है बी की पावर 3, मतलब बी क्यूब है, तो बी की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पर मैं बता चुका था बी की जगह हमें रखना है 2, तो जो b है इसकी जगह अगर मैं रख लूँगा 2, तो b की पावर 3 है तो मुझे 2 की पावर 3 भी लगाना पड़ेगा। ये प्लस है, इस प्लस की जगह ये प्लस लगा दिया, ये 3 है, इस 3 की जगह मैं लिख लेता हूँ 3, फिर लगाऊंगा मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, ये है ए स्क्वायर, तो a की जगह किसको आना है, a की जगह आना है 100 को, तो इस a की जगह लिख लो 100, स्क्वायर है तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर है मल्टीप्लाई, इस b की जगह किसको आना है, b की जगह आना है 2 को, तो इस b की जगह आप लिख लो 2, फिर ये है प्लस, इस 3 की जगह क्या करना है, 3 लिखना है, फिर यहाँ है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिख लिया मैंने, इस a की जगह किसको रखना है, तो a की जगह रखना है 100 को, तो यहाँ पर a की जगह 100 रख दिया, फिर रखेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि फिर यहाँ बीच में है मल्टीप्लाई, उसके बाद है b की पावर 2, मतलब b स्क्वायर है, तो b की जगह क्या रखना है 2, तो इस b की जगह अगर मैं रख दूंगा 2
तो b की पावर है 2, तो यहां पर भी इस 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन सबको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करें तो उससे पहले चीजें देख लियो आप, ये क्या लिखा है 100 की पावर 3, तो 100 की पावर 3 को आप लिखोगे 100 मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, पहले देखो ये 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब इस 1 के साथ क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगाने, तो 6 जीरो लगा दी मैंने, तो 10 की पावर जो 3 है वो हो गया आपके पास 10 लाख। ठीक हो गया, फिर ये प्लस का प्लस, अब आगे क्या है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर जो 3 है इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4, उस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 2 की पावर 3 हो गया 8, प्लस इस 3 की जगह हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई, ये है 100 की पावर 2। अब 100 की पावर 2 को हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 100। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, देखो ये 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो आ गया आंसर 1। अब कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो ये जो 100 का स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख लेते हैं 10,000 और साथ में मल्टीप्लाई 2 है, प्लस ये है 3, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो आएगा 300 मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 4, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, 10 लाख प्लस 8 प्लस, अब देखो 3 को अगर मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ गया 6, और उस 6 को जब मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 60,000, प्लस ये है 300 और ये है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो साथ में लगा दो। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आएगा 10,08,000, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास आएगा ये 61,200। आप अपनी तरफ से भी जोड़ के एक बार देख लें कितना आ जाना चाहिए, ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 10,008 में हम जोड़ेंगे 61,200 को, तो आंसर आएगा 8021601, तो ये आ गया 10,61,208। एक बार आप भी अपनी तरफ से जोड़ के देख लें कि आंसर यही आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।